हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे 2019 का, जून 2019 का यूजीसी नेट जून 2019 का पेपर, ठीक है। इसकी रीजनिंग और मैथ्स हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? रीजनिंग्स और मैथ्स हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन से 34, 18, 10, 6, 4 और ? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, मैं देखता हूँ यहाँ पे कितना बढ़ रहा, यहाँ पे कितना बढ़ रहा, 14 से 8 के 6, 16 बढ़ रहा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा, 8 बढ़ रहा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा, 4 बढ़ रहा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा। तो हमने देखा यहाँ पे, देखो ये दूने दूने बढ़ते आ रहा, तो ये किसका दूने होगा, ये किसका दूने होगा, एक का दूने होगा। अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 ही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पे 16, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। 2 का दूना हुआ 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16 हुआ, तो 1 का दूना 2 हो जाएगा, 2 का दूना 4, 4 का दूना, तो यहाँ पर 1। अगर यहाँ से 2, यहाँ पे 2 क्या करोगे, यहाँ पे 2 माइनस कर दोगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा है क्या आएगा, ये दिया हुआ था ELNOIMPRSMQTVW और QUXZA दिया हुआ था, तो पूछा है इसकी जगह पे क्या आएगा, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितना बढ़ रहा, इसकी वैल्यू कितनी होती, 5, इसकी कितनी होती, 9, इसकी कितनी होगी, 13, कितनी होगी, 13। अब इसकी देख लो कितनी होगी, ये होता है 17 पे होता है, ये कितने पे, ये 9 पे होता है, तो ये कितने पे होता है, ये 13 पे होता है, ये कितने पे होता है, 17 पे होता है, ये कितने पे होता है, 21 पे होता है। तो मैंने देखा कि 4 की टर्म चल रही है, क्या है, सभी में 4 बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, 4 हर इसमें भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो ये 12 हुआ तो ये 16 हुआ, ये क्या हुआ, ये 20 हुआ, तब भी ये 4-4 की ही टर्म सभी में क्या हो रहा, प्लस 4 ऐड हो रहा, प्लस 4 ऐड हो रहा। तो यहाँ पे आने के लिए माइनस 4 हुआ होगा भाई, 4 बढ़ा होगा, तो एक पे तो 4, इसमें से जब 4 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, एक, एक पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, एक पे ए आ गया। अगर यहाँ पे 9 है तो 4 माइनस करोगे 5 पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, 14 में से 4 माइनस करोगे 10, 10 पे क्या आ जाएगा, 10 पे आपका दूसरा वाला, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे ये एल कितना है, 12 है, 12 में से 4 माइनस करोगे कितनी, 8, 8 पे कौन सा आता, एच आता, 8 पे आपका एच आता। यहाँ पे एन 14 पे है तो 4 माइनस करोगे 10 पे, 10 पे कौन आता, जे आता, क्या आता, जे। ओ कितने पे होता, ओ होता 15 पे, 15 में से 4 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 11, 11 पे क्या होता, के होता। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। ए ई एच जे के, ये आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, समझ में आ गया। ये दोस्तों क्वेश्चन से, ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या है मुझसे,
मुझसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि इसका कोड ये दिया है तो इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात है क्या करना, हम देखते हैं डी यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे आ 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 गया। आर के बाद उसने क्या किया, आर को तो वैसे ही रखा, क्या किया आर को उसने ऐसे ही रखा, लेकिन इसके बाद उसने क्या किया ई एक्स्ट्रा जोड़ दिया, क्या किया ई एक्स्ट्रा उसने जोड़ दिया। तो वही चीज हमें भी देखना है, यू को इधर ले आओ, एस को यहाँ ले आओ, एल को यहाँ ले आओ, बी को यहाँ ले आओ, ठीक। उसके बाद तीन तक चला था, कहाँ तक चला था, तीन तक चला था, ए को यहाँ ले आओ, ई को यहाँ ले आओ, ई को यहाँ ले आओ, ई को यहाँ पे, ये यहाँ पे, फिर ये वाली ई भी यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी, क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो ये था क्या था, यहाँ पे टी ई, यहाँ पे एक और ई छूट रही थी, क्या छूट रही थी, ई छूट रही थी, क्या छूट रही थी, ई आर, ये इधर ये इधर, ये आर आ गया, ये ई आ गई, ये ऐसे था, तो ऐसे ही ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर का उधर ये चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ था, ये इधर आ गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर आ गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन से 2.5.6.8.4 ये क्वेश्चन से इसमें पूछा है कि ऑप्शन दिया है 4, ऑप्शन दिया हो बी 6, सी दिया हो 5, डी दिया हो 2, तो इसमें भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ठीक है दोस्तों, सभी ये देखो 2 के मल्टीप्लाई हैं, क्या है, ये सभी 2 के मल्टीप्लाई हैं, और इसमें कौन सा नहीं है, 5 नहीं है, कौन सा नहीं, 5 नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है हमारा, इसमें 5 जो है वो किसी का इवेन नहीं है, बाकी सब इवेन है, सम है, तो ये 7 ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा भिन्न है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये दोस्तों क्वेश्चन से इसको आकृत में हमको निरूपित करना है, ये आकृत में, ठीक है, इसमें आकृत में, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये श्वेत बाल है, स्त्रिया है, वकील है, तो श्वेत बाल के कौन से भाई, कुछ श्वेत बाल की स्त्रियां हो सकती हैं, कुछ श्वेत बाल की वकील हो सकते हैं, तो मैंने क्या किया कि ये श्वेत बाल हो गए, क्या हो गए, ये श्वेत बाल हो गए, क्या हो गए, ये तो क्या होगा, ये ऐसे बना हुआ है, तो श्वेत बाल में ये श्वेत बाल हो गए, क्या हो गए, ये श्वेत बाल हो गए, ये श्वेत बाल हो गए, ये क्या हो गए, ये स्त्रियां हो गई, स्त्रियां हो गई, ये हो गए वकील, क्या हो गए, वकील हो गए, तो ये मेरा बन जाएगा, क्योंकि कुछ स्त्रियां जो होंगी उनके सफेद बाल होंगे, कुछ वकील जो होंगे उनके सफेद बाल होंगे, तो ये वाला हमारा फिगर नहीं बनेगा, ये वाला हमारा फिगर बनेगा, ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि अगर ये देखती हो तो क्या वकील भी स्त्रियां हो सकती, क्या वकील भी स्त्रियां हो सकती, हाँ मैंने माना कुछ वकील जो होंगी वो स्त्रियां होंगी, उनके भी सफेद बाल हो सकते, कुछ वो होंगे, तो एक चीज ये बताओ क्या तीनों चीजें एक कॉमन हो सकती, मैंने माना कुछ श्वेत बाल स्त्रियां होंगी, स्त्रियां सफेद होंगी, तो ये वाला तो मेरा ऐसे भी नहीं होगा, ये वाला क्या स्त्रियां श्वेत बाल ये दोनों कॉमन, ये भी नहीं होगा, ये वाला देखा ये अलग ही हो रहा, ये श्वेत बाल ये स्त्रियां ये ऊपर क्या, ये भी नहीं, तो ऑप्शन हमारा ये वाला डी वाला मेरा सही हो जाएगा,
ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिलोगिज्म का है। इसका पूछा हुआ है कि सभी पुस्तकें पत्थर हैं, सभी पत्थर कागज हैं, तो क्या कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ निष्कर्ष है, कुछ कागज पत्थर हैं, तो इसमें कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा? तो देखो पहले बना लूंगा पुस्तकें, क्या बना लूंगा, पुस्तकें बना लिया। सभी पुस्तकें क्या हो गए, पत्थर हो गए, पत्थर मतलब स्टोन हो गए, क्या हो गए, स्टोन हो गए। उसके बाद सभी पत्थर क्या हो गए, कागज हो गए, क्या हो गए, कागज हो गए। तो निष्कर्ष पहला पढ़ो, कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं, फिर कह रहा है कुछ कागज पत्थर से। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सब हो रहा, जैसे सभी पुस्तक पत्थर हो रहे तो सभी पत्थर कागज हो रहे, तो क्या हम कुछ कागज पत्थर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कुछ कागज पत्थर हो सकते हैं, कुछ कागज पत्थर हो सकते हैं, दूसरा वाला सही है। फिर उसके बाद कहा है कि पहला वाला कहा है कुछ कागज पुस्तकें हैं, हाँ कुछ कागज जो हैं वो पुस्तकें हो सकते हैं, कौन सा, कुछ कागज पुस्तकें हो सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ कागज भाई ऊपर से जब ये हैं तो ये भी हो सकता है, कुछ कागज पुस्तकें, तो मेरा कौन सा, दोनों कथन सही हो जाएंगे, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे, बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बोथ आर करेक्ट, दोनों कथन करेक्ट हो जाएंगे। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सब हो रहा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सब नहीं कुछ होता, क्या होता, कुछ होता है, इधर से जाएंगे तो सब होता जा रहा, क्या होता जा रहा, सब, जब उधर से हमें घुसना होगा तो कुछ का पैटर्न फॉलो करता, कुछ का, ठीक है। तो मेरे दोनों निष्कर्ष जो हैं वो सही हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सभी नावें लड़के हैं, कथन है जो सभी नावें लड़के हैं और सभी लड़के लैंप हैं, तो बना लो फिगर कैसे बनेगा, सभी नाव बोट जितनी भी होंगी क्या होंगी, बोट, बोट क्या है, वो क्या है, सभी नाव जो है वो लड़के हैं, बॉयज हैं, क्या है, बॉयज हैं, तो सभी लड़के क्या है, लैंप है, क्या है, लैंप है। तो उसने कहा निष्कर्ष में क्या है, सभी लैंप जो है वो नाव है, हमने बताया था जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे अंदर की तरफ तो कुछ, तो सबका पैटर्न नहीं फॉलो करता, तो पहला वाला गलत हो गया। फिर अगला पूछा सभी नावें लैंप हैं, सभी नाव जो हैं वो लैंप हो सकते, बिल्कुल सही, क्या हो सकते, बिल्कुल सही, तो हमारा क्या फॉलो करेगा, ओनली टू, ओनली टू मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्त क्वेश्चन है डीआई का है कि पांच विद्यार्थियों द्वारा 6 यूनिट टेस्टों में प्राप्त अंक हैं, ठीक है, और उसमें पूछा हुआ है कि पहले दूसरे तीसरे और चौथे पांचवे और छठे में ए 69 दूसरा भी, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये दोस्तों दिए हुए, ये विद्यार्थी हैं ए बी सी डी ई, पांच विद्यार्थी हैं, फर्स्ट में इनके 69, ठीक है, पहले ये यूनिट टेस्ट है, पहले टेस्ट में 69, दूसरे में 71, तीसरे में 75, चौथे में 75, छठे में इन्होंने, पांचवे में कितने पाए, 79, और छठे में कितने, 84 पाए, 84 पाए, ठीक है। इसी प्रकार ये इनके दिए बी के दिए हैं 84 दिया, 79, 69, 79, 80, 85, ठीक है, सी के दिया 64, 70, 67, 74, 74, 79, 80 दिया हुआ, डी का दिया हुआ 53, 54, 61, 60, 62, 65, ई का दिया है 56, 58, 62, 63, 68, 71, पूछा क्या है, ए के अंकों में पिछले यूनिट के टेस्ट में अधिकतम वृद्धि कौन से टेस्ट में हुई है, ये बताना है, पहले में हुई, दूसरे में हुई, तीसरे में हुई, पांचवे में हुई, चौथे में हुई, छठे में हुई, ठीक है, ये क्वेश्चन से, तो आप ये देखो इसमें, इसमें कितना हुआ, यहाँ पे ये इसका देखोगे कितना बढ़ा, दो बढ़ रहा, यहाँ पे ये कितना बढ़ रहा,
चार बढ़ रहा है, ये यहाँ पे कितना जीरो, यहाँ पे कितना +4, यहाँ पे कितना बढ़ रहा +5 बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा +5 बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा +5 बढ़ रहा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पिछले के मुकाबले, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर मुझसे ऑप्शन में दिया होता छठे, बी में दिया होता पांचवे, सी में चौथे, डी में दिया होता दूसरे, तो किस में सबसे ज्यादा वृद्धि होती? छठे में वृद्धि होती। किस में सबसे ज्यादा, किस में वृद्धि हुई पिछले के मुकाबले? छठे में। तो मेरा छठा मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छठा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उसने पूछा था ये क्वेश्चन से दूसरे से छठे पूछा था उसने, दूसरे से छठे यूनिट टेस्टों में से किस यूनिट टेस्ट में अधिकतम अंकों तथा न्यूनतम अंकों के बीच सर्वाधिक अंतर होगा, किस टेस्ट में होगा? तो दूसरे और छठे की बात पूछा है, दूसरे और छठे की बात पूछा, किस में होगा? ठीक है, ऑप्शन था दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे। दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, किस में पूछा था? तो किस में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी और अंतर होगा? तो कैसे करेंगे, अगर हम देखते तो दूसरे में सबसे ज्यादा और सबसे कम, दूसरे में सबसे ज्यादा कौन सा है? ये, और सबसे कम 54 है। तो 79 और 54 का अंतर कितना हो जाएगा? 5, 2, 25 अंतर हो जाएगा। अब छठे में देख लो, छठे में सबसे ज्यादा कौन सा है? 85 और 65, कितना है? 85 और 65। छठे टेस्ट में देखो, छठे टेस्ट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा छठे टेस्ट में? उसके बाद हमसे पूछा है कि दूसरे में देखना है, कितने में देखना है? फिर उसके बाद अगले में देखना है कि इसमें सबसे कौन सा पूछा था, हाँ दूसरे में तथा अधिकतम अंकों में, तो अधिकतम तथा न्यूनतम में चेक करना है। तो मुझे, तो अब मुझे इसमें भी चेक कर लेना है, क्या इसमें भी चेक कर लेना है, दूसरे से छठे तक देखना है। तो इसमें देख लेना, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा? 75, 61, 75, 61, कितना बचा? 14 बचा। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लेना है, छठे तक पूरा जाना, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 79, 79 से 60 तक जाओगे, 19 बच रहा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो, इसमें भी सबसे बड़ा कौन? 80, फिर सबसे छोटा कौन? 62, इसके बीच में कितना बढ़ेगा? 18 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 18 बढ़ेगा। उसके बाद इसमें देख लो, सबसे बड़ा कौन सा? 85 और 65, कितना? 20, कितना बढ़ रहा? 20 बढ़ रहा। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दूसरे में, दूसरे टेस्ट में अधिकतम तथा न्यूनतम अंकों में सबसे अधिक अंतर किस में है? सबसे अधिक अंतर किस में है? इसमें है, कितने है? इसमें है। तो ऑप्शन नंबर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा था, तीसरा था, पांचवा था, छठा था। तो दूसरे वाले टेस्ट में सबसे ज़्यादा अंतर है। ठीक, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, दूसरे वाले में सबसे ज़्यादा आंसर अंतर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, दूसरे वाले में सबसे ज़्यादा आंसर अंतर हो जाएगा। देखो, इसमें कहा था सबसे बड़ा अधिकतम लो और फिर सबसे कम वाला लिया, तो सबसे कम वाला लिया 54, तो उसका अंतर निकला। उसमें पूछा था सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा अंतर किस में है, तो अंतर किस में है? ए में है। किस में? सेकेंड वाले, दूसरे वाले में है, तो दूसरा वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विद्यार्थी के लगातार अंक बढ़ रहे हैं? ई के बढ़ रहे हैं या फिर सी के बढ़ रहे हैं, किसके बढ़ रहे? बी के बढ़ रहे हैं। तो देखना पड़ेगा मुझे, तो देखो लगातार किसके बढ़ रहे हैं? इसके बढ़े, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे, ए के, ए ऑप्शन में है, ए के देख लो, यहाँ पे बढ़ा, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, यहाँ पे कितना? 4 बढ़ा, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ? 4 बढ़ा, यहाँ पे कितना हुआ?
पाँच बढ़ा, अच्छा यहाँ पे जीरो बीच में हो गया, ये बढ़ रहा ये घट रहा, लगातार किसके बढ़ रहे हैं? लगातार मुझे देखना है, तो इसका देखा कितना बढ़ रहा, ई वाला ऑप्शन में दो बढ़ा, इसका देखा यहाँ पे चार बढ़ा, कितना बढ़ा यहाँ पे मैं इसका चार बढ़ा, चार बढ़ा यहाँ पे, कितना एक बढ़ा यहाँ पे, क्या कितना बढ़ा पांच बढ़ा यहाँ पे, कितना तीन बढ़ा, इसके जो है लगातार बढ़ रहे, क्या बढ़ रहे लगातार बढ़ रहे, इन लोगों के कहीं कहीं जीरो हो जा रहे, क्या हो रहा है बी, क्या देखो यहाँ पे माइनस हो रहा, तो लगातार बढ़ने की बात थी, तो ई वाला मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा।